जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ मैथ विविध प्रश्नावली 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का विविध प्रश्नावली को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ये क्लास ट्वेल्थ का दूसरा चैप्टर है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। जितना तक वीडियो लास्ट हुआ था इसके पहले क्वेश्चन से उसके आगे से हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते और बेहतरीन ढंग से समझते हम लोग। आइए तो क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने वाले हैं। देखो 10 क्या दिया है। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट के अंदर माइनस रहेगा और यही क्वेश्चन है। कैसे बनेगा? इसको बनाने के लिए हमारे पास कई सारे तरीका है। वो भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं या रियलाइजेशन करके भी आप लोग अप्लाई करके बना सकते हैं। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। देखिए किस तरह हम परिमेयकरण कर देते हैं। आसान है, लिखते हैं कॉट इनवर्स। एक बात बोली आप लोगों को, एक और तरीका हमारे पास और जबरदस्त तरीका। इसको साइन 2 थीटा पर तोड़ेंगे और इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर तोड़ देंगे, बन जाएगा। लेकिन उसमें दिमगिया ढेर यूज है, दिमगिया। देखो परिमेयकरण करते हैं, रियलाइजेशन कर देते हैं हम लोग। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है। यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है। परिमेयकरण में होता क्या है वही लिखेंगे, रियलाइजेशन में क्या होता तो वही लिखेंगे, लेकिन उसका साइन को चेंज कर देंगे। नीचे माइनस है तो हम प्लस से करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस है तो प्लस देंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस ले करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस क्या लिखेंगे साइन एक्स। देखो कॉस इनवर्स, ये देखो इसको एक साथ लेंगे, इसको भी लेंगे हम लोग एक साथ। देखो ए इसको बी मान लेते हैं, ये ए और बी ये दोनों एक जैसा है, होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में, ये देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह भी फॉर्मूला पर सेट है। आपको मालूम होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला पर टूट गया, 1 प्लस साइन एक्स ये रूट है, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, माइनस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ है टी होगा, टी होगा कॉट है, कॉस लिखा रहा है। कॉट इनवर्स देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, ए स्क्वायर ए की जगह पर इतना स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर इतना सारा है स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 ए बी ना, 2 ए, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स लिखेंगे हम लोग। और देखो इसको माइनस, देखो ये प्लस में 1 ये माइनस में 1 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स आया, माइनस में साइन एक्स प्लस में साइन एक्स खत्म। नीचे दिख रहा है आप सभी को, देखो कॉट इनवर्स देखो 1 प्लस 1 2 प्लस
ये देखो, टू अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये एक ही, देखो है तो रूट में अलग अलग, इसको हम लोग एक ही रूट में लिख सकते हैं इस तरह से, समझे। वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन, और बी स्क्वायर की जगह बस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए हैं अपॉन में टू साइन एक्स। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, कॉट इनवर्स टू कॉमन ले लो ऊपर से वन प्लस, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये फॉर्मूला से, बटे में टू साइन एक्स, खत्म कहानी। कॉट इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, देखो कॉट इनवर्स, देखो वन प्लस कॉस एक्स, देखो वन प्लस कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, थीटा होता है, यानी एंगल दो गुना तो यहाँ आधा हो गया। अगर वन प्लस हम लोग कॉस थीटा रख दे तो नहीं लिख सकते टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू थीटा तो आधा थीटा, थीटा तो आधा थीटा बाई टू, तो वन प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, साइन एक्स को लिख सकते टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। इलेवेंथ वाला हाफ एंगल फॉर्मूला का फॉर्मूला अप्लाई किए यहाँ पे, समझे। साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, हाफ एंगल हो जाता है, एंगल को हाफ कर दिए कॉस ले, कॉस खत्म, ये खत्म, तो कितना आया कॉट इनवर्स कॉस एक्स बटे टू, बटे में क्या आया साइन एक्स बटे टू, कॉस बाई साइन टेन हो कॉट होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, कॉट कॉट खत्म करेंगे तो हमारा सिंपली आंसर क्या आएगा एक्स बाई टू आएगा, समझे। हमारा आंसर निकल के आया एक्स बाई टू निकल के आया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कोई अभी भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, समझे। इसको प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए, सॉरी ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, और एलएचएस में लाना भी था एक्स बाई टू। देखो हम लेकर के चले हैं एलएचएस, यहाँ एलएचएस लेकर के चले हैं और आरएचएस ला दिए, यहाँ पे बराबर में एक्स बाई टू था, एक्स बाई टू ला दिए हम बराबर में, यहाँ लिख देंगे यहाँ LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, LHS बराबर RHS प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, किधर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या है, वो भी क्वेश्चन आसान है, इसको नोट करते चलिएगा, बुढ़ौती में काम आएगा आप लोगों को, समझे। देखो आसान है, बेहद आसान है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आसान भी है और एग्जाम में भर भर के आता भी है, समझे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 है तो इसी तरह, लेकिन बनेगा इसी तरह, अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स बटे में अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स, यही ना है, हमको प्रूफ करना है एक्स बाई फोर नहीं पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, यही प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई फोर माइनस, देखो हम वो पिछला तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड है हमारे पास,
एक शॉर्टकट मेथड वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं बड़ा लेवल से हम लोग, देखो इसको भी रेशनलाइजेशन करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। आएगा दौड़ करके, इतना आएगा, आएगा जरूर आएगा। देखिए क्या लाना है, यही ना, देखो नहीं आएगा तो दोनों लेकर के चलेंगे। टैन इनवर्स, देखो एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दे, बोलो। सेम क्वेश्चन की तरह बनेगा, अगर मन खुश नहीं है तो रेशनलाइजेशन ही करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा तो समझो अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स, यही है ना। नीचे प्लस से है तो हम लोग माइनस से रिसलाइजेशन करेंगे। देखो क्या करते हैं, वन प्लस एक्स माइनस, देखो प्लस है तो माइनस दे रहे हैं, वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स कर दिया, टेन इनवर्स ये अंडर रूट बनेगा, वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस, ये एक जैसा है इसलिए होल स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा तो वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बनेगा। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ दिए तो ए स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हट गया, रूट हट गया स्क्वायर से, यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट गया। देखो इधर अब हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स ये देखो माइनस में ही प्लस में कट गया, इसको स्क्वायर कर देते ए माइनस बी को होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर तो वन प्लस एक्स से हो जाएगा, बी की जगह पर वन माइनस एक्स है तो वन माइनस एक्स ही हो जाएगा, माइनस टू ए बी, ए की जगह पर वन प्लस एक्स, बी की जगह पर वन माइनस एक्स बटे में टू एक्स। देखो तो सेम सेम आ रहा है क्या, करेंगे हम लोग टेन इनवर्स, एक्स ले एक्स खत्म, टू आया प्लस माइनस टू अंडर रूट वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा बटे में टू एक्स, यहां से टू कॉमन ले लेंगे। नीचे दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा टेन इनवर्स टू कॉमन ले लो तो क्या आएगा, वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे में टू एक्स कट गया, ये देखो क्या बचेगा, टेन इनवर्स वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स बचा। इसके आगे सोल्व तो करेंगे हम, लेट करेंगे, लेट लेट माना एक्स बराबर साइन थीटा, क्या मान लिए साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, मान के चल रहे हैं थीटा को इधर भेज दिए तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स आ गया। देखो पुट करो एक्स की जगह पर साइन थीटा पुट करो, क्या आएगा, टेन इनवर्स वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर साइन थीटा का स्क्वायर बटे में साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, देखो वन माइनस ये कॉस थीटा बन जाएगा बटे में साइन थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला चलाएंगे तो यहां भी क्या बनेगा, टेन इनवर्स माइनस है तो बन जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, उसमें प्लस था तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बना, इसमें माइनस है तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बना, साइन थीटा को लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। देखो यहां से ये साइन ये खत्म, दो तो खत्म,
टेन इनवर्स, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा बाई टू, ये अभी खत्म, तो बचा क्या, थीटा बाई टू। अब जो माने हैं उसी को पुट करो, देखो थीटा बाई टू आया ना, क्या हम लोग थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं, बोलो रख सकते हैं, बटे टू है तो बटे टू कर दिए, हमको लाना है कॉस में तो इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे, वन बाई टू रख दिए, साइन को कॉस में फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई टू में से साइन इन कॉस इनवर्स एक्स को घटा दो, होता है ना, एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, हमको साइन इनवर्स एक्स का ही चाहिए, तो कॉस इनवर्स एक्स को इस साइड भेजेंगे तो नहीं आएगा साइन इनवर्स एक्स, वहीं से लिख दिए, वन बाई टू गुणा कर दो तो पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर में क्या ला दिए, आर एच एस प्रूफ, यही लाना था, दिख रहा है आप सभी को, हल्का डिम दिख रहा होगा, मार्कर का मिर्गी पकड़ लिया है। देखो ये था क्वेश्चन नंबर 11, इसे भी उतारे, आज खत्म करके रहेंगे हम लोग, आज कहानी खत्म होगा। अब इसको मिटा करके क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, टोटल हल्का है, कोई खास भारी नहीं है, समझे, हल्का ही है, क्वेश्चन भारी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12, देखो 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9π/4 साइन इनवर्स 2√2/3, यही ना है। देखो हमको इतना बराबर इतना प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, इधर तो या तो LHS ले ले या RHS ले ले, दोनों में से कोई लेकर के चलेंगे तो दोनों आने वाला है, इतना को तो हम गारंटी देते हैं आप सभी को। देखो हम लेकर के चलते हैं क्या LHS, इसको लेकर के चलते हैं, देखो LHS में 9/4 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ है, 9/4 कॉमन होगा तो पाई बाई टू बचेगा, माइनस यहां से ये कॉमन होगा तो ये बचेगा साइन इनवर्स 1/3 बचेगा, बचेगा। अब देखो यहां से ये पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स किसका फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स एक्स का, एक्स की जगह पर 1/3 है तो 1/3 रखेंगे, 9/4 ये कॉस है, इसको साइन में लिखना चाहते हैं, देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाना, कॉस बराबर आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण 1/3, ये कितना आ जाएगा 9 - 1 8 को लिख सकते हैं 2√2, बोलो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, तो साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण 2√2/3 है तो 3, और देखो RHS में यही लाना था, क्या लाना था, यही वाला आ गया प्रूफ। 12 के बाद 13 नंबर देखते हैं, यहीं पर निपटा लेते हैं हम लोग, क्या है 13 नंबर, हल्का है 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि 2 tan inverse cos x बराबर tan inverse 2 cos x, यहां से यही है, इसको सरल करना है, सरल के मतलब समझ रहे हैं, सरलतम रूप लिखना है, छोटा रूप, सरल करने का मतलब क्या होता है, सरलतम रूप लिखना होता है, छोटा करना होता है,
तो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, कैसे इसको छोटा करे। छोटा करे तो करे कैसे, थोड़ा सोचो। इसको छोटा करे तो करे कैसे। देखो ये 2 tan inverse x के फॉर्मूला पर सेट है। क्या होता है 2 tan inverse x? इधर टेन है तो 2 tan inverse x के टेन वाला ही फॉर्मूला देखेंगे। क्या होता है टेन इनवर्स 2x/1 − x²? यही ना होता है, वही अप्लाई करो। 2 tan inverse 2x, 2 cos x/1 − cos²x, x की जगह cos x है, बराबर में tan इनवर्स 2 cos x। ये 2 नहीं रहेगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म। 2 cos x/1 − cos²x होगा 1 − cos²x, बराबर में क्या बचने वाला है। ये मार्कर क्यों नहीं ऐसे चल रहा है भाई, देखो बराबर में बचेगा 2 cos x। 2 और 2 खत्म हो गया कहानी। ये क्या बनेगा, cos x/sin x, sin²x/ cos x, यही ना है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x/, नीचे बन गया sin²x/। ये cos x को उल्टा 1/sin x हम लोग लिख सकते हैं। एक साइन से एक साइन खत्म, यानी cos x/, ये खत्म कहानी, ये 1 गुणा हो जाएगा sin x। cos x sin x किस पर बराबर होता है, तो π/4 पर। तो x/ क्या लिखेंगे, π/4। सरल करें या हल करें या छोटा रूप करें, यही हम लोग के का हुआ 13 का आंसर हो गया, समझे। तो इसे भी आप लोग नोट करें ताकि आपको कभी फ्यूचर में समझ में आए। तो x की जगह पर क्या गया, π/4। मार्कर खराब है, इतना ही पर वीडियो को लास्ट करते हैं। अगले वीडियो में 14, 15, 16, 17 यानी चारों क्वेश्चन को निपटाएंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं, तब तक लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।